हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 5 है, अगर हमारे पास एफ 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई हो, उस कंडीशन में जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई टू दी पावर एफ ऑफ वाई डी एक्स। फिर इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास जो फॉर्म हो वन अपॉन एन अपॉन डेल वाई सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वो तब इंटीग्रल फैक्टर जो था वो था हमारे पास ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एफ वाई ऑफ डी वाई। बस ये थोड़ा सा चेंज होता है, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई के लिए हम चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करते हैं, और इसके लिए चेक करते हैं तो वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स चेक करते हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं पहले, और अगर ये हमारे पास कंडीशन सोल्व हो तो हम इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर इस बार इसका जो हम एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब इसका हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्जाम्पल लेता हूँ वो मोस्टली यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हुए एग्जाम्पल होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता। मैं बेसिकली उस मेथड को बता रहा हूँ जो जिस रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं उसको एक से ज्यादा रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं y स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें चेक करना होगा 1 अपॉन m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम एम की वैल्यू देखें तो एम बराबर क्या है, एम डी एक्स, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की होती है। तो यहाँ से एम की वैल्यू जो है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इन टू द पावर एक्स प्लस 2xy। तो यहाँ से अगर डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना चाहें तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर 2y e to the power x plus 2x, and अगर यहाँ से हम डेल n सॉरी n की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर, और डेल n अपॉन डेल x तो ये हो गया माइनस 2x। अब ये वैल्यू अगर निकालना चाहें ये वैल्यू, तो ये 1 अपॉन m एंड 1 अपॉन m क्या है y स्क्वायर, ये अगर y कॉमन ले लें इसमें से तो इसको लिख सकते हैं y e टू दी पावर x प्लस 2x, ये हो गया। अब इसको देखें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो ये टर्म क्या करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2y e टू दी पावर x माइनस 2x, तो माइनस 2x माइनस 2x टोटल हो जाएगा है माइनस 4x। अगर इस टर्म में से हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x और y, और अगर माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इस टर्म को देखें तो 2x प्लस y टू द पावर x, 2x प्लस y टू द पावर x ये कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये टर्म जो है, ये टर्म इक्वल टू माइनस 2 अपॉन y, ये आ चुकी है। तो अब यहां से अगर इंटीग्रल फैक्टर इसका लिखना चाहें हम, तो इंटीग्रल फैक्टर होगा इसका e टू दी पावर 1 अपॉन एफ वाई ऑफ डी वाई। ये एफ वाई फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, जरूर नहीं है वाई का फंक्शन हो, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, e टू दी पावर माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई, तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस 2 लॉग वाई। इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग 1 अपॉन वाई स्क्वायर या 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है,
वो मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो यहां से हम 1/y² मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास वाई 1/y² मल्टीप्लाई किया तो e^x रह जाएगा ये, और dx प्लस ये हो गया 2xy/y² dx माइनस x²dy/y² इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको डेरिवेटिव ऑफ e^x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं प्लस। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको ध्यान से देखें, ये d ओवर x²/y का डेरिवेटिव है, क्योंकि जब सपोज कि हम यहाँ पे पहले y को छोड़ते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x y को छोड़ा 2x dx, उसके बाद हमने यहाँ पे x² को छोड़ा और y को क्या तो dy और 1/du/v से लगाते हैं तो नीचे v² आता है, उस v² से ये y² आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया। अब इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे। इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास e^x प्लस x²/y इक्वल टू c, ये आ गया। अब चाहे तो हम दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर लें, तो y e^x प्लस x² इक्वल टू cy। इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।